नमस्कार, मैं वासु। स्वागत करता हूँ आप सभी का आज क्लास 11 के एक नए चैप्टर द एडवेंचर के साथ। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे कुछ कहना चाहूंगा, ये मेरा वादा है आपसे, भले से द एडवेंचर क्लास 11 का सबसे लेंथी और सबसे कंफ्यूजिंग चैप्टर है, लेकिन इस वीडियो के बाद आपको इस चैप्टर की कहीं से भी कोई भी वीडियो नहीं देखनी पड़ेगी। तो बिना आपका समय गवाए चलिए इस चैप्टर को शुरू किया जाए। इस चैप्टर में दो मेन कैरेक्टर्स हैं, गंगाधर पंत गायतोंडे और राजेंद्र देशपांडे। सबसे पहले बात कर लेते हैं गंगाधर पंत गायतोंडे के बारे में। गंगाधर पंत गायतोंडे एक हिस्टोरियन थे, वो दिन भर हिस्ट्री के बारे में सोचते और पढ़ते रहते थे और उन्हें जब भी मौका मिलता था वो हिस्ट्री के फैक्ट्स के ऊपर रिसर्च भी किया करते थे। और तो और गंगाधर पंत गायतोंडे ने इंडियन हिस्ट्री के ऊपर 5 वॉल्यूम की बुक भी लिखी थी, ऐसा हमारी बुक में लिखा हुआ है, लेकिन मुझे गूगल सर्च करने पे ऐसा कोई भी फैक्ट नहीं मिला। गंगाधर पंत को सेमिनार्स अटेंड करना भी बहुत पसंद था। वो ऑलरेडी 999 सेमिनार अटेंड कर चुके थे और वो अपने अगले सेमिनार को अटेंड करने अपनी कार से मुंबई जा रहे थे। उस सुनहरे सफर में वो कैटास्ट्रोफिक थियोरी के बारे में सोच रहे थे। कैटास्ट्रोफिक थियोरी कहती है कि अगर कोई इवेंट वैसा ना हो जैसा उसे होना चाहिए तो फ्यूचर में उससे जुड़ी चीजें बहुत हद तक बदल सकती हैं। जैसे मान लो अगर नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी को गोली नहीं मारी होती तो महात्मा गांधी कभी इंडिया का तो बंटवारा नहीं होने देते और आज इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर में इतने सोल्जर्स को बेवजह अपनी जान नहीं गंवानी पड़ती। गंगाधर पंत गायतोंडे कैटास्ट्रोफिक थियरी के बारे में सोच ही रहे थे कि उनका एक्सीडेंट हो जाता है, उनकी कार एक ट्रक से भिड़ जाती है और इस एक्सीडेंट में गंगाधर पंत गायतोंडे को बहुत सी सीरियस इंजरी होती है और वो कोमा में चले जाते हैं और अब उनके जिंदा रहने और मरने के चांसेस एक बराबर थे। जिस समय प्रोफेसर गंगाधर पंत का एक्सीडेंट हुआ था उस समय वो हिस्ट्री के बारे में सोच रहे थे और कुछ ही पलों में उनका एक्सीडेंट हो जाता है और वो कोमा में चले जाते हैं। उनकी बॉडी तो काम करना बंद कर देती है पर उनका माइंड अभी भी उसी जगह था, वो हिस्ट्री में ही था और यही सोच रहा था कि क्या होता अगर हिस्ट्री का कोई इवेंट चेंज हो जाता। उनकी बॉडी तो आईसीयू वार्ड में थी पर उनका माइंड अभी भी हिस्ट्री में ही था और जो कि वो एक्सीडेंट के पहले कैटास्ट्रोफिक थियरी के बारे में सोच रहे थे, तो उनके एक्सीडेंट के बाद जब वो अपने सपनों में हिस्ट्री में पहुंचते हैं तो वो सारी चीजें ऐसी देखते हैं जो सच नहीं है और फिर कोमा से बाहर आने के बाद वो ये सारी चीजें अपने दोस्त डॉक्टर राजेंद्र देशपांडे के साथ डिस्कस करते हैं। तो चलिए चैप्टर में आगे बढ़ते हैं। नहीं जो कि प्रोफेसर गंगाधर पंत गायतोंडे सेमिनार अटेंड करने मुंबई जा रहे थे और रास्ते में ही उनका एक्सीडेंट हो जाता है जब वो कैटास्ट्रोफिक थियरी के बारे में सोच रहे थे, इसलिए जब वो कोमा में थे तब भी वो यही सोच रहे थे कि वो हिस्ट्री में मुंबई जा रहे हैं और वो भी ट्रेन से। कंफ्यूज हो गए क्या? देखो यार, वो सेमिनार अटेंड करने मुंबई जा रहे थे और रास्ते में हिस्ट्री के बारे में सोच रहे थे, तो उनके एक्सीडेंट के बाद उनकी बॉडी तो हॉस्पिटल पहुंच गई लेकिन उनका माइंड अभी भी हिस्ट्री में ही था और मुंबई जा रहा था, लेकिन हिस्ट्री में कार तो होती नहीं है इसलिए उनके सपनों में उनकी कार ट्रेन में बदल गई। आशा करता हूँ अब आपको समझ में आ गया होगा। अगर हाँ तो लाइक करके आगे बढ़ जाओ और अगर नहीं आया तो नीचे कमेंट कर दो, मैं आपको पर्सनली समझा दूंगा। कोमा में पहुंचने के बाद अपने इमेजिनेशन में गंगाधर पंत गायतोंडे जीजा माता एक्सप्रेस में मुंबई जा रहे थे क्योंकि जीजा माता एक्सप्रेस ट्रेन डेक्कन क्वीन से भी बहुत तेज थी। लेकिन पुणे मुंबई रूट आज थोड़ा अजीब सा लग रहा था, ना ही रास्ते में कोई टाउन्स थे और ना ही इंडस्ट्रीज, ऐसा लग रहा था जैसे मानो आज मैं पहली बार मुंबई जा रहा हूँ। लेकिन वेस्टर्न घाट तो एकदम वैसे ही थे। खैर, हमें लोनावला पहुंचने में 40 मिनट का समय लग गया लेकिन लोनावला स्टेशन से हमारी ट्रेन ने जो स्पीड पकड़ी तो हम कलजत रेलवे स्टेशन से एकदम हाई स्पीड में आगे बढ़े। एक सेकेंड रुको, मैं मुंबई क्यों जा रहा हूँ यार? मैं तो कभी बिना प्लान किए कहीं नहीं जाता हूँ, फिर आज बिना प्लान किए मुंबई क्यों जा रहा हूँ? कोई बात नहीं, मैं मुंबई में जाके द ग्रेट लाइब्रेरी में रिसर्च करूंगा कि आखिर पुणे मुंबई रूट के आसपास के टाउन्स और इंडस्ट्रीज गए तो गए कहाँ। और मुंबई से वापस आने के बाद मैं प्रोफेसर राजेंद्र देशपांडे से भी मिलूंगा और उनसे ये सारी बात डिस्कस करूंगा। खैर, हमारी ट्रेन एक बहुत बड़ी टनल से पास हुई और टनल के बाद फाइनली एक ब्रिटिश कॉलोनी दिखी और फिर हमारी ट्रेन सरहद स्टेशन में जाके रुकी जहाँ एक एंग्लो इंडियन ने हमारा टिकट चेक किया जिन्होंने टीटी का यूनिफॉर्म पहन रखा था। आपको बता दूँ, एंग्लो इंडियन उन्हें कहते हैं जो और किसी कंट्री से आके इंडिया में परमानेंटली बस गए हों। खैर, मेरे सामने बैठे खान साहब ने पूछा, और भाई जान आज पहली बार मुंबई जा रहे हो क्या? हाँ कह सकते हो, वैसे मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा है। खान साहब ने कहा, भाईजान ये आसपास की ट्रेन में जीबीएमआर ग्रेटेस्ट बॉम्बे मेट्रोपॉलिटन रेलवे लिखा देख रहे हो, ये दर्शाता है कि हम ब्रिटिश टेरिटरी में हैं। यूं ही बातों बातों में हम मुंबई रेलवे स्टेशन भी पहुंच गए।
स्टेशन के बारे में बताऊं तो वो एकदम साफ सुथरा था। स्टेशन में ज्यादातर एंग्लो इंडियन पारसीज और ब्रिटिश ऑफिसर्स थे। ये सब तो ठीक था, पर जैसे ही मैं स्टेशन के बाहर निकला, मैंने जो देखा उसे देखने के बाद मुझे मेरी आंखों पे भरोसा ही नहीं हो रहा था। भाई साहब, बाहर ईस्ट इंडिया कंपनी का हेडक्वार्टर था। ऐसा नहीं था हेडक्वार्टर बंजर पड़ा था, हेडक्वार्टर में बाकायदा इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम चल रहा था। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है यार, ब्रिटिशर्स तो 1957 के बाद इंडिया छोड़ के चले ना गए थे, फिर आखिर ये हो क्या रहा है? भाई साहब, ये तो मुंबई जैसे लग ही नहीं रहा है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं जरूर इंग्लैंड आ गया हूँ। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, स्टेशन में तो मुंबई लिखा था। यार, इससे पहले मैं पागल हो जाऊं, मैं अपने बेटवा विनय के पास जाता हूँ। हाँ, उसके पास जाके सारी चीजें डिस्कस करूंगा और फिर सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। हाँ, तो मुझे स्टेशन से राइट मोड़ना है और चलते जाना रे, चलते जाना रे, चलते जाना रे, बस पहुंच गया। अरे, नाम तो फॉल्स बिल्डिंग ही लिखा है, पर ये तो बहुत अलग दिख रही है। कोई बात नहीं, नाम तो वही है ना। हेलो वाइट ब्यूटी, कैन यू प्लीज कॉल मिस्टर विनय गायतोंडे? उन्होंने कहा, यस सर, व्हाई नॉट। विनय गायतोंडे, यार ये नाम तो मैंने पहली बार सुना है। कोई बात नहीं, एक बार चेक करती हूँ। कहाँ है मिस्टर विनय गायतोंडे? तो टेलीफोन लिस्ट में है ही नहीं। कोई बात नहीं, एक बार एम्प्लॉय लिस्ट में देख लेती हूँ कहाँ है। अरे, मिस्टर विनय गायतोंडे तो एम्प्लॉय लिस्ट में भी नहीं है। ये बुढ़ाऊ कहीं चांस तो नहीं मार रहा है? एक बार कंपनी की ब्रांचेस लिस्ट में भी देख लेती हूँ। अरे, हमारी कंपनी में तो मिस्टर विनय गायतोंडे के नाम का कोई काम ही नहीं करता है। जरूर ये बुढ़ाऊ चांस मार रहा है। आई एम सॉरी सर, मिस्टर विनय गायतोंडे नाम का कोई भी इंसान हमारी कंपनी में काम नहीं करता है। क्या? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? कुछ तो गड़बड़ है। मैं एक काम करता हूँ, मैं लाइब्रेरी जाता हूँ और फिर वहां से पता चलेगा कि आखिर गड़बड़ है तो है क्या। एक बार स्टोरी रोक के आपको समझाता हूँ कि आखिर चल क्या रहे हैं। नहीं। देखो, प्रोफेसर गंगाधर पंत गायतोंडे सेमिनार अटेंड करने मुंबई जा रहे थे और वो अपने माइंड में सोच ही रहे थे कि क्या होता अगर हिस्ट्री का कोई प्लॉट चेंज हो जाता। तो जब उनका एक्सीडेंट हुआ तो उनके माइंड में दो बातें चल रही थी कि मैं मुंबई जा रहा हूँ और क्या होता कि अगर हिस्ट्री का कोई प्लॉट चेंज हो जाता। इसलिए जब अपने माइंड में हिस्ट्री में गए तो सारी चीजें उन्हें चेंज दिख रही थी। वो इसलिए क्योंकि उनके माइंड में कहीं ना कहीं पे हिस्ट्री का कोई प्लॉट चेंज कर दिया था। तो अब वो इस चीज को क्लियरिफाई करने के लिए लाइब्रेरी जा रहे थे। अगर आपको चैप्टर अभी तक समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। खैर, लाइब्रेरी पहुंचते ही मैंने अपने द्वारा लिखी गई इंडियन हिस्ट्री की 5 वॉल्यूम ऑर्डर कर दी। मैंने पहला वॉल्यूम पढ़ा जिसमें अशोका किंगडम तक की हिस्ट्री थी। यार, उसमें तो कोई चेंज ही नहीं था। मैंने दूसरी वॉल्यूम भी पढ़ी जिसमें समुद्रगुप्त किंगडम तक की हिस्ट्री थी, उसमें भी कोई चेंज नहीं था। मैंने तीसरा वॉल्यूम भी पढ़ा जिसमें गोरी किंगडम तक की हिस्ट्री थी, और फिर मैंने चौथी वॉल्यूम भी पढ़ी जिसमें औरंगजेब की डेथ तक की हिस्ट्री थी। लेकिन अभी तक हिस्ट्री में मुझे कोई भी चेंज नहीं दिखा। ये सारी वही हिस्ट्री थी जो मैं जानता था। अब मुझे पता था कि हिस्ट्री में औरंगजेब की डेथ के बाद ही कोई चेंज आया है, और मैं लग गया अपने द्वारा लिखी गई 5 वॉल्यूम को पढ़ने। और आखिरकार मुझे पता चल ही गया कि हिस्ट्री में कहाँ चेंज आया था और क्या चेंज आया था। अभी तक मैं जानता था कि पानीपत की लड़ाई में मराठास अब्दाली से हार गए थे, लेकिन बुक में लिखा था कि मराठास पानीपत की लड़ाई में अब्दाली से वॉर में जीत जाते हैं। मैं सच बताऊं, मुझे बुक पढ़ के राइटिंग स्टाइल तो मेरा ही लग रहा था, लेकिन मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था कि मैं अपने द्वारा लिखी बुक पढ़ रहा हूँ। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि मैं इस बुक को पहली बार पढ़ रहा हूँ। खैर, मैंने बुक को पढ़ना चालू रखा। मैंने पढ़ा, मराठास की जीत की वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी सदमे में आ गई और अपने टेरिटरी एक्सपेंशन के प्रोग्राम को थोड़े दिन के लिए बंद कर दिया, और ब्रिटिशर्स केवल मुंबई, कलकत्ता और मद्रास तक ही सीमित रह गए। मराठास ने दिल्ली में मुगल सल्तनत को कभी खत्म नहीं होने दिया, क्योंकि उन्हें पता था कि इंडिया से अगर मुगल सल्तनत का राज खत्म हो जाएगा तो इंडिया में हिंदू मुस्लिम्स कभी एक साथ नहीं रह पाएंगे। इंडिया पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली स्ट्रांग तो थी, पर मराठास इंडिया की टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ भी करना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने ब्रिटिशर्स से सहायता लिया और बदले में ब्रिटिशर्स को 2001 तक के लिए अनलिमिटेड एक्सपोर्ट की छूट दे दी। पर धीरे धीरे इंडिया में भी डेमोक्रेसी की लहर चली और इंडिया में किंगडम्स की पावर धीरे धीरे कम होने लगी और इंडिया में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का एस्टेब्लिशमेंट हुआ। ये सब पढ़ के मेरे दिल में इंडिया के प्रति रिस्पेक्ट और ज्यादा बढ़ गई। खैर, ये सब तो ठीक था, लेकिन आखिर मराठास जीते तो जीते कैसे? जहां तक तो मुझे पता है कि मराठास पानीपत की लड़ाई में हार गए थे। इस क्वेश्चन का आंसर जानने के लिए मैंने लाइब्रेरियन से भाव साहेब बांची बाखर ऑर्डर किया।
जिसमें लिखा था विश्वास राव ने अब्दालिस को धूल चटाने के लिए अपने घोड़े को युद्ध के मैदान में अब्दालिस के गोलीबारी के बीच घुसा दिया और भगवान का लाख लाख शुक्र है कि एक गोली उनके कान के एकदम बगल से निकल गई। अगर वो थोड़ी सी भी इधर उधर होती तो शायद मराठास युद्ध को हार जाते। जब मैं ये सब पढ़ ही रहा था कि तभी लाइब्रेरियन आया और कहा, सर 8 बज चुके हैं, हमें लाइब्रेरी बंद करना होगा। मैंने स्माइल किया और पता नहीं कैसे जल्दी जल्दी में भाव साहेब बांची भाकर अपने लेफ्ट पॉकेट में रख ली। और ये मुझे तब पता चला जब मैं डिनर के बाद अपने पॉकेट से पैसे निकाल रहा था। आपको बता दूं कि अभी तक हमने जितने भी फैक्ट पढ़े हैं सब गलत हैं। ये केवल और केवल गंगाधर पंत गायतोंडे की इमेजिनेशन है। ऐसा एक्चुअली में हिस्ट्री में कुछ भी नहीं हुआ था। एक्चुअली में मराठास पानीपत की लड़ाई में अब्दाली से हार जाते हैं। खैर, खाना पीना करके मैं आजादी स्टेडियम की ओर चला गया जहां कोई सेमिनार चल रहा था। लेकिन जैसे ही मैं पंडाल के अंदर घुसा, मुझे मेरी आंखों पर भरोसा ही नहीं हुआ। हर एक स्टेडियम में 3 तरह के लोग होते हैं, स्पीच देने के लिए स्पीकर, स्पीच सुनने के लिए पब्लिक और चेयरपर्सन। अब चेयरपर्सन जो होता है ये तो मुझे नहीं पता, अगर आपको पता हो तो नीचे कमेंट्स करके जरूर बताना। हाँ, तो मैं जब स्टेडियम के अंदर घुसा तो यार वहाँ स्पीकर भी था और पब्लिक भी, लेकिन नहीं था तो चेयरपर्सन। और चेयरपर्सन की उस खाली कुर्सी को देख के मुझे ऐसा लग रहा था जैसे वो कुर्सी मुझे बुला रही हो और मैं उसमें जाके बैठ गया। मुझे तो चेयर में बैठ के बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत मजा आ रहा था, लेकिन शायद मेरा चेयर में बैठना पब्लिक को पसंद नहीं आया। सारी की सारी पब्लिक चिल्लाने लगी, चेयर खाली करो, चेयर खाली करो। आपको पता नहीं है किसी भी सेमिनार में केवल 2 टाइप के लोग होते हैं, स्पीकर और पब्लिक, और ये चेयर केवल और केवल सिंबॉलिक है। ये सुन के तो मेरा माथा ही सनक गया। मैंने लोगों को समझाने के लिए स्पीकर से माइक छीन लिया या कुछ भी करने का, लेकिन मेरा 999 सेमिनार अटेंड करने का ईगो हर्ट नहीं करने का रे बाबा। मैंने कहा, लेडीज एंड जेंटलमैन, बिना चेयरपर्सन के सेमिनार बिना राजा के ताज जैसा है। मैं आपको समझाता हूँ कैसे। पता नहीं मैंने ऐसे क्या कह दिया कि सबके सब मेरे ऊपर चप्पल, सड़े टमाटर और अंडे फेंकने लगे। आपको क्या लगा मैं उन अंडों और टमाटरों से डर के भाग जाऊंगा? ना मुन्ना ना, मैंने माइक नहीं छोड़ा। पर पता नहीं लोग मेरी बात से इतने क्या ही खुश हो गए कि मुझे अपने कंधे में बैठा के गेट के बाहर तक छोड़ के आए। हाँ हाँ ठीक है, धक्के मार के बाहर फेंक दिया। ओके, यहाँ तक तो मुझे याद था जो मैं तुम्हें बता दिया। अब इसके बाद 2 दिन में कहाँ था मुझे याद नहीं है। तो राजेंद्र भैया, मुझे जितना याद था मैंने आपको बता दिया। अब आप मुझे बताओ कि आखिर ये हो क्या रहा है। जो भूल गए हो, राजेंद्र देशपांडे हैं कौन, मैं उन्हें बता दूं। राजेंद्र देशपांडे प्रोफेसर गायतोंडे के दोस्त हैं। राजेंद्र ने मुझसे पूछा, अच्छा तुम ये बताओ कि तुम एक्सीडेंट के पहले कर क्या रहे थे? यार एक्सीडेंट के पहले, हाँ एक्सीडेंट के पहले मैं तो कैटास्ट्रोफिक थ्योरी के बारे में सोच रहा था कि क्या होता अगर हिस्ट्री का कोई इवेंट वैसा ना होता जैसा उसे होना चाहिए। हाँ मुझे सब समझ में आ गया, मैं यही तो सुनना चाहता था। तो अब सुनो, तुमने हिस्ट्री की बुक में क्या पढ़ा कि मराठास पानीपत में अब्दालिस से जीत गए थे, लेकिन रियलिटी में हुआ क्या था? मराठास अब्दालिस से पानीपत में हार गए थे। तो हुआ ऐसा कि मराठास की जीत की वजह से मराठास ने ब्रिटिशर्स को इंडिया में कब्जा करने की नाकाम कोशिश को अंजाम नहीं होने दिया। इसलिए जब तुम मुंबई जा रहे थे तो तुम्हें ना ही ब्रिटिशर्स टाउन दिख रहे थे और ना ही इंडस्ट्रीज, और ये सारी चीजें आपके माइंड में केवल और केवल इसलिए थी क्योंकि आप एक्सीडेंट के पहले कैटास्ट्रोफिक थियरी के बारे में सोच रहे थे। अच्छा जी, तो मतलब हमारे सो कॉल्ड राजेंद्र भाई साहब का मानना है कि मैं कोमा में पड़े पड़े सपने देख रहा था। चलिए कोई बात नहीं, मैं आपको कुछ ऐसा दिखाता हूँ जिससे आपको भरोसा हो जाए कि मैं आपको जो भी बता रहा हूँ वो सब फेक नहीं, रियल है। मैंने आपको बताया था ना कि जब मैं लाइब्रेरी से वापस आ रहा था तो गलती से मैंने अपने लेफ्ट पॉकेट में भाव साहेब बांची बाखर रख ली थी। खैर वो तो कहीं खो गई, लेकिन उसे पढ़ते समय मैंने जो नोट्स बनाया था वो मैं अभी तक अपने पास रखा हूँ। ये देखिए, इसमें मैंने साफ साफ लिखा है कि पानीपत की लड़ाई में मुगल्स कैसे जीत गए। यार गायतोंडे, तुमने तो ये एविडेंस दिखा कि मुझे कंफ्यूजन स्टेट में डाल दिया। तुम रुको, मैं कुछ सोचता हूँ। हाँ मैंने सोच लिया, मेरे पास तुम्हारी इस प्रॉब्लम के लिए भी एक थियरी है। देखो गंगाधर, हम सबको पता है कि इस दुनिया में बहुत सारे एटम्स हैं। वैसे ही ये भी एक सच है कि इस दुनिया में बहुत सारे यूनिवर्स हैं। हाँ जी बिल्कुल हैं। और अगर हम अर्थ को एटम के न्यूक्लियस से कंपेयर करें तो उस स्केल में हम सब इलेक्ट्रॉन हुए। हाँ जी बिल्कुल हुए। अच्छा आपने पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रॉन को अगर एनर्जी दी जाए तो वो एटम से बाहर निकल आता है। हाँ बिल्कुल राजेंद्र भैया। तो अगर हम इलेक्ट्रॉन के इक्विवेलेंट ह्यूमन को देखें तो अगर हमें बहुत सारी एनर्जी मिले तो हम भी एक यूनिवर्स से दूसरे यूनिवर्स में जा सकते हैं। हाँ सही पकड़े हैं राजेंद्र बाबू,
हम समझ गए, इसका मतलब जैसे ही मेरे पास एनर्जी आई मैं दूसरे यूनिवर्स में पहुंच गया, और जैसे ही मेरी एनर्जी खत्म हुई मैं अपने यूनिवर्स में वापस आ गया। लेकिन राजेंद्र भैया, आखिर मेरे पास इतनी एनर्जी आई तो आई कैसे? देखो गंगाधर, साइंस में ऐसे बहुत से क्वेश्चन हैं जिनके आंसर अभी तक नहीं मिले हैं, और ये भी उनमें से ही एक क्वेश्चन है। मुझे जितना पता था मैंने तुम्हें बता दिया, हो सकता है तुम्हारे एक्सीडेंट की वजह से ये एनर्जी तुम्हारे माइंड से निकली हो। खैर गंगाधर, जो भी हुआ हो चलो मुंबई चला जाए, हमें पानीपत के ऊपर सेमिनार को संबोधित करने के लिए बुलाया गया है। चलो चेयरपर्सन के तौर पे अपने 1000वें सेमिनार को भी अटेंड कर लिया जाए। ना 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 राजेंद्र भैया, मुझे नहीं जाना, मुंबई वाले जूते चप्पल तो मारते ही हैं, साथ साथ हड्डी पसली भी तोड़ के बाहर कर देते हैं। तो बस यहीं भी खत्म होता है चैप्टर। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक कर देना। ये तो नहीं कहूंगा कि अपने सारे दोस्तों तक शेयर कर देना, पर कम से कम अपने बेस्ट फ्रेंड तक तो इस वीडियो को जरूर से जरूर पहुंचा देना। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे इंस्पायर्ड एंड आई लव यू ऑल।